स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आप ही के चैनल ड्रीम फैंटसी में। बात करेंगे दोस्तों लास्ट T20 मैच जो कि होने वाला है आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में। आपको मैं सीधा ड्रीम इलेवन टीम की तरफ ले चलता हूँ। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आज के मैच में जो चेंजेस होने वाले हैं वो भी बता दूँ। जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया सीरीज जीत चुका है और जो नेक्स्ट टूर है इंडिया का वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, तो आज इंडिया अपने कुछ बेंच प्लेयर्स को भी मौका दे सकता है टीम में। यानी कि दोस्तों आज के मैच में वॉशिंगटन सुंदर रिप्लेस कर सकते हैं कुलदीप यादव को, और साथ ही साथ दोस्तों दिनेश कार्तिक को रिप्लेस कर सकते हैं दीपक हुड्डा। इवन दोस्तों कुछ चांसेस जसप्रीत बुमराह के भी हैं कि जसप्रीत बुमराह को भी आज रेस्ट दिया जा सकता है, उनकी जगह बैजल थम्पी भी रिप्लेस हो सकते हैं। ये वाला दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मे बी और मे नॉट भी, मतलब मैं आपको कहूँगा 40-60% है, बट बाकी दो प्लेयर्स जो आपको मैंने बताए कुलदीप हो या दिनेश कार्तिक उनका डेफिनेटली आज सब्स्टिट्यूशन होएगा। वहीं श्रीलंका की टीम में आप जानते हो एंजिलो मैथ्यूज जो कि लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे उनकी जगह समीरा समर विक्रमा आ जाएंगे आज टीम में खेलने। और नंबर 5 पर दोस्तों जो धनुष्का शनक्का आते हैं वो इतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे तो उनकी जगह गुनाथिलका भी आज आ सकते हैं। तो आप ये प्लेयर्स अवॉइड कर सकते हो अपनी स्मॉल लीग्स टीम में, और ग्रैंड लीग्स में दोस्तों आप इसके थ्रू यूटिलाइज कर सकते हो प्लेयर्स को ताकि आप ग्रैंड लीग में टॉप कर पाओ। मैं आपको स्मॉल लीग्स की टीम यहाँ दोस्तों शो कर देता हूँ, आपको मैं ऑप्शंस भी बता दूंगा ग्रैंड लीग्स के लिए जो आप ले सकते हो। विकेट कीपर की बात की जाए तो दोस्तों हमने यहाँ महेंद्र सिंह धोनी को पिक किया है जो कि ऊपर खेलने आ रहे हैं आजकल, जिनको रोहित शर्मा प्रमोट कर रहे हैं ऊपर खेलने के लिए। वहीं दोस्तों निशान डिकवेले भी एक अच्छे प्लेयर हैं, बट आप जानते हो इंडियन जो फ्रंट लाइन बॉलिंग है जो ओपन करते हैं इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह हो या जयदेव उनादकट हो वो ज़्यादा देर श्रीलंकन ओपनर्स को टिकने नहीं देंगे। वैसे भी बहुत अच्छे स्टैट्स हैं जयदेव के पावर प्लेज में कि वो डेफिनेटली एक या दो विकटें पिक करते हैं, तो जिसके कारण हम यहाँ महेंद्र सिंह धोनी के साथ जा रहे हैं। बैट्समैन की बात की जाए तो दोस्तों हमने सबसे पहले यहाँ रोहित शर्मा को पिक किया है जिन्होंने पूरी सीरीज़ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। लोकेश राहुल पिछले दोनों T20 से दोस्तों 50+ स्कोर कर रहा है। वहीं उपुल थरंगा भी श्रीलंका का वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैट्समैन है। जो दोस्तों यहाँ फोर्थ प्लेयर है वो कुशाल परेरा भी हमने पिक किया है जिन्होंने लास्ट मैच बहुत अच्छा खेला था। और जो यहाँ लास्ट ऑप्शन हमने बैट्समैन में लिया है वो दोस्तों श्रेयस अय्यर को भी हमने पिक किया है। अब बात करेंगे दोस्तों ऑलराउंडर्स की, तो सबसे पहले हमने यहाँ हार्दिक पांड्या को इंक्लूड किया है। हार्दिक पांड्या बैट्समैन इतने अच्छे नहीं है बट फिर भी हमने देखा इस सीरीज़ में अच्छी बॉलिंग करके विकेट्स पिक करके आपको पॉइंट्स दिला रहे हैं, तो इनके साथ भी हम जा रहे हैं आज। और श्रीलंका की तरफ से दोस्तों हमने यहाँ थिसारा परेरा को इंक्लूड किया है। थिसारा परेरा भी वही दोस्तों डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है और डेफिनेटली विकेट्स पिक करता है, तो इनको भी हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। अब बात की जाए बॉलर्स की दोस्तों, तो सबसे पहले हमने यहाँ युजवेंद्र चहल को पिक किया जिन्होंने पिछले दोनों T20 में बहुत अच्छी बॉलिंग की है बॉलिंग में और विकेट्स बहुत ज़्यादा पिक की हैं। यहाँ इंडिया की तरफ से दोस्तों हमने सेकंड बॉलर जयदेव उनादकट को भी पिक किया है, और थर्ड वन जो हमने श्रीलंका से पिक किया है दोस्तों वो है नुवान प्रदीप भी दोस्तों बहुत अच्छा बॉलर है श्रीलंकन टीम से। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुलदीप यादव आज का मैच नहीं खेलेंगे और जसप्रीत बुमराह भी शायद दोस्तों आज का मैच ना खेले, तो आप इन प्लेयर्स को स्मॉल लीग्स में अवॉइड कर सकते हो। वहीं दोस्तों श्रीलंकन टीम से आज एंजिलो मैथ्यूज जो नहीं खेल रहे उनकी जगह समीरा विक्रमा आज का मैच खेलेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आज का मैच धनुष्का गुनाथिलका भी खेल सकते हैं धनुष्का शनक्का की जगह जो आप देख पा रहे हो। अब मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ दोस्तों ले चलता हूँ, तो लोकेश राहुल दोस्तों आज के मैच में मैं कैप्टन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको बता दूँ इंडिया टीम वानखेड़े में इतना अच्छा नहीं कर पा रही पिछले लास्ट कुछ मैचेस से, और 2015 के बाद उन्होंने जितने मैच खेले उस पिच के ऊपर वो सारे हारी है। बट अगेंस्ट श्रीलंका बात की जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट में है इतने अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद, बट फिर भी आज कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि रोहित शर्मा इतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे वानखेड़े की पिच पर। तो आज के मैच में दोस्तों हम लोकेश राहुल को कैप्टन प्रोवाइड करेंगे, और वहीं श्रीलंकन टीम से दोस्तों हम कुशाल परेरा को वाइस कैप्टन प्रोवाइड करेंगे। आइदर दोस्तों आप वाइस कैप्टन में युजवेंद्र चहल को भी दे सकते हो जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से, आप इस टीम के साथ भी जा सकते हो। ये भी मेरी तरफ से एक सिक्योर एक सेफ लीग की अच्छी टीम मानी जाएगी ये भी, वरना मैं दोस्तों यहाँ कुशाल परेरा के साथ ही जा रहा हूँ। एक बार आपको मैं इस टीम का प्रीव्यू भी दोस्तों शो कर देता हूँ, तो आप ये दोस्तों टीम देख के सेफ लीग में डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। मेरी तरफ से आपको युजवेंद्र चहल भी एक अच्छा ऑप्शन है स्मॉल लीग्स के लिए। रोहित शर्मा को दोस्तों हम इस मैच में कैप्टन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके पिछले कुछ मैचेस से वानखेड़े पिच के ऊपर इतने अच्छे स्टैट्स नहीं है। आपने IPL में भी देखा होगा कि रोहित शर्मा इस सीज़न इतना अच्छा नहीं कर पाए थे वानखेड़े की पिच पे। अब बात की दोस्तों ग्रैंड लीग्स की, तो आपको मैं कुछ वहाँ पर भी बता दूँ कि आप ग्रैंड लीग्स में दोस्तों मे बी आप यहाँ ट्राई कर सकते हो दोस्तों आप वाशिंगटन सुंदर को यहाँ ट्राई कर सकते हो। आप मे बी हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करके यहाँ वाशिंगटन सुंदर को भी
ट्राई कर सकते हो। वाशिंगटन सुंदर जो कि आज का मैच खेल रहे हैं कुलदीप यादव की जगह, और श्रीलंकन टीम सफ़र करती है इंडियन स्पिनर्स के अगेंस्ट। इतने अच्छे नहीं है स्पिनर्स वाशिंगटन सुंदर, जो कि इतना बॉल को स्पिन नहीं करते, सीधी लाइन लेंथ पर डालते हैं, बट मे भी इफेक्टफुल हो सकते हैं आपके ग्रैंड लीग्स के लिए। और वहीं दोस्तों आज आप यहाँ दोस्तों हम बैट्समैन से कुछ चेंज करेंगे नहीं। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो हम यहाँ डिफर करेंगे कुछ ना कुछ। आपको बता दूँ आज का मैच जो है वो मुंबई में है, तो श्रेयस अय्यर अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे, डेफिनेटली आज ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो इसलिए आज हम इनको कैप्टन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा रिस्क पिक करना होगा ग्रैंड लीग्स के लिए जिससे आप टॉप कर पाओ। और यहाँ दोस्तों हम वाइस कैप्टन में युजवेंद्र चहल के साथ जा रहे हैं। ये दोस्तों हमारी तरफ से टीम रहेगी ग्रैंड लीग्स के लिए, आप ये देख भी सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छी टीम है ग्रैंड लीग के लिए। श्रेयस अय्यर का आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वानखेड़े उनका होम ग्राउंड है, और आज डेफिनेटली उनको बैटिंग मिलेगी तो वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। तो आप ये टीम देख के दोस्तों ग्रैंड लीग्स में पिक कर सकते हो। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट मैच में। अगर दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो ज़रूर लाइक करो। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप वो भी डेफिनेटली ज्वाइन करो, जिससे कि हम जितने भी अपडेट्स वहाँ दे पाते हैं आप वो सारे कलेक्ट कर पाओ। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।